अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम टॉपिक करेंगे कॉलम्स लॉ का। कॉलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में है क्या। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस को रेस्ट में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए, सर इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन हम चार्जेस को रेस्ट में रहते हुए, चार्जेस रेस्ट में होंगे तो हम उनको स्टडी करेंगे। ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें चार्जेस रेस्ट में रहते हुए जिसको हम स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। चार्ज इज़ द इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स विच होल्ड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड में रखती है, इकट्ठे रखती है और ये मिलके एक एटम या मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे। इस ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। फर्स्ट हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड चार्ज एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करें वो है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ, ईच चार्ज एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर चार्ज। चार्लस कॉलम्स ऑब्जर्व द क्वांटिटी वैल्यू ऑफ दीज फोर्सेज। He states his experimental observation in mathematical form called Coulomb's law in 1784. Statement: the force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. For example, mathematical form of iski dekhe, if two points Q1 and Q2 are separated by a distance r, then the इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द चार्जेस इज एफ इजिकल टू, यहाँ पे आप देखिए एफ इजिकल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1 एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इक्वेशन 2। अब हम इनको कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, वी गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r². अब प्रोपोर्शनल साइन हम खत्म करेंगे, इक्वल करेंगे, k कॉन्स्टेंट है Q1, Q2 और r², वेयर k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, जहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, डायग्राम गौर से देखें, इसमें आपके पास टू फोर्सेस हैं F12 एंड F21, टू चार्जेस है Q1 एंड Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस है r, ठीक है। सेकेंड हमारे पास चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास टू फोर्सेस F12 एंड F21 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ये फोर्सेस यहाँ पे देखें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि और जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फोर्सेस होंगी या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम ऐसे फोर्सेस का है पॉइंट चार्ज में, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नज़र आ रहा है, अ पॉइंट पार्टिकल विद नॉन जीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसमें देखिए अ पार्टिकल विद नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट पार्टिकल्स। यहाँ पे हम इसके पास डिपेंडेंस ऑफ के में जाए तो फिर देखें, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर फ्री स्पेस। के इज इक्वल टू के की के कॉन्स्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट का नाम देंगे। एंड के इज इक्वल टू 1/4 πε नॉट, वियर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट
दोबारा सुने, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड के इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12। इनको हम मैथमेटिकली सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो आएगा आंसर इसका के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। अभी जस्ट हमने किया है फोर्स की वैल्यू जस्ट हमने निकाली है कि एफ की वैल्यू हमारे पास के है कॉन्स्टेंट है उसकी विच इज़ इक्वल टू 1/4 चार्जेस Q1 Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर। वैक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ में देखिए कॉलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, कॉलम फोर्स क्या है म्यूचुअल फोर्स है। इट्स मीन दैट इफ Q1 एग्जर्ट अ फोर्स ऑन Q2, Q1 अगर फोर्स Q2 पे लगाएगा देन Q2 आल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन Q1, तो Q2 भी उतनी ही बराबर की फोर्स ऑपोजिट साइड पे Q1 पे लगाएगा। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ भी हम देखें F21 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 एंड F12 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। देन F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और आर स्क्वायर R21। यहाँ पे देखिए R21 वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन 1 में वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली आप देखें F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और आर स्क्वायर R12। यहाँ पे हमारे पास देखे हुए है R21 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम है, इसको गौर से देखें डायग्राम में। आप डायग्राम में देखें कि आपके पास है फोर्स F1 है और F12 है, F21 है आपके पास, चार्ज Q1 है, फोर डिस्टेंस इनके दरमियान R है, R21 से शो किया हुआ है एरो साइन से, ठीक है। सेकेंड हमारे पास फोर्स F12 है, इसमें देखिए हमारे पास चार्ज एरो साइन से आपको अंदाज़ा होगा कि एरो साइन F21 में उसकी F21 की साइड पे है R21 का एरो और F12 में R12 का एरो F12 फोर्स की साइड पे है। देखिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। चार्जेस आप देखें दोनों अशकाल डायग्राम्स में Q1 और Q2 हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R का है, ठीक है। हमारे पास टू डायग्राम्स A और B हैं, चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 हैं जबकि डिस्टेंस इनके दरमियान R है। फर्स्ट में हमारे पास फोर्स F12 एक्ट कर रही है जबकि R जो है उसको हमने एरो साइन से शो किया है, यूनिट वेक्टर को R21 है। सेकेंड हमारे पास B डायग्राम देखें उसमें फोर्स F12 है और जबकि वेक्टर्स की डायरेक्शन को R12 यूनिट वेक्टर से हमने शो किया हुआ है और जबकि टू चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 इनके दरमियान से जो है सेपरेशन है डिस्टेंस है उसको हमने R से शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इसी से रिलेटेड दो डायग्राम हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F21 एंड F12 एंड सेम इनका जो यूनिट वेक्टर है वो है R21 एंड R12। फ्रॉम फिग वी गेट R21, फिग में हम देखें कि अभी मैंने आपको बताया R21 इक्वल एंड ऑपोजिट टू R12 के, इसका मतलब है कि R21 इक्वल है R12 के बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन लेकिन मुखालिफ सिमत में हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। हैंस इक्वेशन वन को हम ऐसे लिख सकती हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और आर स्क्वायर -R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। माइनस का साइन इसमें हमने शो किया है क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और आर स्क्वायर R12। सो F21 इज इक्वल टू -F12 मीन फोर्स Q2 जो चार्ज Q1 पे लगा अप्लाई कर रहा है वो इक्वल है F12 के, जो चार्ज Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है वो इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दस कॉलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन टू फोर्सेस, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टू फोर्सेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल बॉल अगर हम दीवार पे मारते हैं, ठीक है, तो फिर वो वापस वहाँ से वो टकरा के वापस आती है, तो इसका एक्शन और फिर रिएक्शन ये है। हमारे पास सेम ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को मूव करेंगे, चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्ट चलने की, हम ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, एक्शन की तो रिएक्शन के तौर पे ज़मीन हमें पीछे की तरह धकेलती है। इसी तरह से हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं कि जिसमें फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी बट अपोजिट डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ रॉकेट है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, जो भी है, इस तरह से मोशन ऑफ ये हमारे पास एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, इन विच द फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का जो असर है इलेक्ट्रिक फोर्सेस पर बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान। इफ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस बिटवीन द चार्जेस, अगर हम इंसुलेटिंग मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान रखें, देन इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो ये रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, जैसे कि हमने फ्री स्पेस में इसको रखते हैं फैक्टर ER की वजह से, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे, हुज वैल्यू वेरीज विद नेचर ऑफ डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक के नेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। दस इन द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक द कोलम्ब फोर्स बिकम्स, कोलम्ब फोर्स हमारे पास क्या होगी, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4πε0εr रिलेटिव परमिटिविटी, Q1 Q2 r² एंड एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/εr हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिया 1/4πε0 Q1 Q2 r² एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4εr एंड एफ। यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखें कि कंप्लीट जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है वो एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसको एफ के इक्वल कर कंसिडर करते हुए एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा, एफ प्राइम इज़ इक्वल टू F4εr। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कवर करेंगे, εr इज इक्वल टू F4εr, F इज इक्वल टू εr F prime। जस्ट यहाँ पे देखिए εr की वजह से, रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से F की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है F prime से। सेम ऐसे ही फॉर वैक्यूम द वैल्यू εr इज 1, ऐसे ना कि वैल्यू 1 होगी, वाइल फॉर एयर द वैल्यू ऑफ एन आर इज 1.006। एंड नेक्स्ट हम टॉपिक थे इसका जो पॉइंट्स आप लोगों को नहीं समझना है वो है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे आपको बताया था कि मीडियम में जब हम रखते हैं चार्जेस को तो रिलेटिव परमिटिविटी एफ एन आर का इंक्रीमेंट इसमें होता है, उसकी जैसे चेंज हो जाती है इसकी वैल्यू, एफ की बजाय एफ प्राइम हो जाता है, एफ एन आर इज इक्वल टू एफ फोर एफ प्राइम। दस द रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डायलैक्ट्रिक। रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे देखिए डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स की बिटवीन द चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज डायलैक्ट्रिक। सिंपल हमारे पास सिंपल एफ फोर्स है जब वैक्यूम में है और एफ प्राइम जब हमने इस पर मीडियम में इसको हमने रखा है, तो इन दो की रेशियो ER के इक्वल है, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। ठीक है, आप इसी से रिलेटेड हमारे आगे MCQs हैं, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो होता है बोर्ड में जो आता है वो MCQs को होता है, 17 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 1.06, बी में 1.006, सी में 1.006 एंड डी में 1.6। अब आपने इसका सही बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज, अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज, इट्स वैल्यू इज 1.006। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड चलें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज
42 न्यूटन. इफ वी प्लेस अ डायलैक्ट्रिक ऑफ ई आर, ठीक है, ई आर प्लेस अ ई आर ओ 2.1 बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिकम्स इक्वल टू 42 न्यूटन, 83.2 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एंड 2 न्यूटन. इनमें से आपने एक करेक्ट आंसर करना है. सेकेंड थर्ड हमारे पास जो है, प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑलवेज, ए इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, बी रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, सी डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड डी है डबल द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. इनमें से करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है, पूरा लेक्चर आपने रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने राइट करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप इसको लर्न कर लें, लर्न करने के बाद आपने इन MCQs को सॉल्व करना है. ये मेरी तरफ से आपके लिए असाइनमेंट है, आपने इसको सॉल्व करना है. इसमें करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है. ये आपके MCQs हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें. इनमें से करेक्ट जो आंसर है उसको आपने सर्कल करना है, उसका आंसर आपने देना है. ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोर्ड में आएगा MCQs का 17 मार्क्स का जो आपको होता है वो इस तरह से आपका कवर हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ में देखिए, द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज नॉट फ्री स्पेस, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल इंक्रीज, ए इंक्रीज, बी ऑप्शन देखिए डिक्रीज, सी में देखिए रिमेन सेम एंड ई में है नन ऑफ दीज. ठीक है, सेम ऐसे ही 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने करेक्ट जो आंसर है उसको आपने सर्कल करना है. 5 में चलें, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड बट बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 1/2 न्यूटन, बी है 2 न्यूटन, सी 4 न्यूटन एंड डी ऑप्शन है 8 न्यूटन. ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर को सर्कल करें. 6 ऑप्शन हमारे पास है, द SI यूनिट ऑफ कोलम्स कॉन्स्टेंट्स आर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम स्क्वायर, बी में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोलम स्क्वायर एंड सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर एंड फोर्थ डी ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब है 7th ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ 7 पॉइंट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डायलैक्टिक्स अदर देन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज, ए ऑप्शन लेस देन यूनिटी, बी ग्रेटर देन यूनिटी, सी इक्वल टू यूनिटी एंड डी जीरो. ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर को सर्कल आपने करना है. 8 पे, इफ़ F1 एंड F2 आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, मेन जो इलेक्ट्रिक फोर्स, देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है F1 इज इक्वल टू F2, F1 ग्रेटर F2 एंड सी F1 लेस देन F2 एंड डी F1 इज इक्वल टू 4F2. नेक्स्ट द कॉन्स्टेंट 9 पॉइंट, द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K डिपेंड्स अपॉन ए नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्ज, बी द सिस्टम ऑफ यूनिट, सी नेचर ऑफ चार्ज बॉडीज, डी है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस एंड 2 चार्जेस, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड 10 पॉइंट्स हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ कोलम्स कॉन्स्टेंट के इन एस यूनिट इज ए 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर, बी 9×10^9 न्यूटन कॉलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सी 9×10^9 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम स्क्वायर, 9 डी ऑप्शन है हमारे पास 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम स्क्वायर. एंड 11th पॉइंट, द फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर यूनिट चार्ज प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज ऑप्शन ए 0, बी नन, 1 न्यूटन, सी 9×10^9 न्यूटन एंड डी 9×10^-9 न्यूटन.
इनमें से आपके फोर ऑप्शंस मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, फोर ऑप्शन हमें दिए, इनमें से किसी एक को आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है जो आपको लगे कि आपके नज़दीक वो ठीक है, टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है, फिर आपने इनका आंसर सही से देना है, ठीक है। ट्वेल्व ऑफ एप्सिलॉन परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। सी है 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 न्यूटन मीटर पर कोलम स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन कोलम स्क्वायर, ठीक है। लास्ट हमारे पास 13 टॉपिक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इज। थोड़ा सा टॉपिक आप कंप्लीट करें। ए 2.3 मल्टीप्लाई 10^-24 न्यूटन, बी है 2.3 मल्टीप्लाई 10^-26 न्यूटन एंड सी 2.3 मल्टीप्लाई 10^-28 न्यूटन एंड डी 2.3 मल्टीप्लाई 10^-30 न्यूटन। एंड 14 भी आप देखें, टू चार्जेस 1 माइक्रो कोलम एंड 5 माइक्रो कोलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, देयर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल 1:1, 1:2, 1:5, and 1:1 इनकी रेशियोज हैं 1:1, 2:1, 5:5, 1:1, 5:5। इनमें से आपने एक को करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। 15 पे चलें, दस यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर न्यूटन मीटर्स पर कोलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर, कोलम इनवर्स, कोलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, कोलम स्क्वायर पर मीटर इनवर्स, ठीक है। एंड क्यू कोलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये हम स्क्वायर इनवर्स में लिखते हैं। या हमारे पास माइनस वन जो है मीन, हम इसको कोलम स्क्वायर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम मैं 15 पॉइंट्स है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। ये 15 ऑप्शन है, MCQs हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने कॉलम्स लाकर टॉपिक आज किया है। ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से इसको आपने रीड करना है, ठीक है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉलम्स लॉ, कॉलम्स लॉ को कम्प्लीटली आपने डिफाइन करना है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, के की वैल्यू किस तरह से आपने इसको डिफाइन किया है, इसकी डायग्राम्स एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ कम्प्लीट आपने, एंड इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये टॉपिक आपने कम्प्लीट करना है। इसकी रेशियो, मीन, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये सारा कम्प्लीट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद इसको लर्न करें, और इन MCQs जो इससे रिलेटेड है इनको सॉर्ट आउट करें और मुझे व्हाट्सएप करें, ये नंबर पे व्हाट्सएप करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये टॉपिक कितना समझ आया, कितना आप लोगों ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पिक करें, ताकि हम आपको टॉपिक कंटिन्यू करवा सकें और आपका ये लेक्चर हम नेक्स्ट आगे अच्छे से आपको दे सकें। अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप अच्छे तरीके से इसको करें बैठ के, और ये MCQs कल आपने मुझे सॉर्ट आउट करके सारे इनके आंसर्स आपने मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। साइमा, ये कैसे होगा, ये yeah, oh,